पांचवा टेस्ट मुकाबला भले ही इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट के बड़े अंतर से जीत लिया, लेकिन दोस्तों बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि इस मुकाबले को दोबारा खेला जाएगा। गाइस अगर आप भी भारतीय टीम के जबरा फैन हैं, आप भी चाहते हैं कि यह मुकाबला दोबारा खेला जाए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इंडिया वीएस इंग्लैंड के बीच में पांचवा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसको इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट के बड़े अंतर से जीत लिया, जबकि भारतीय टीम ने पहली पारी में बैटिंग करते हुए 416 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए, जबकि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड की टीम को 284 रन पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट चटकाए। मगर सेकंड पारी में भारतीय टीम ने बैटिंग करते हुए 245 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए और इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए चाहिए थे 377 रन, जबकि भारतीय टीम समझ रही थी कि हम इस मुकाबले को जीत जाएंगे। लेकिन जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने तो कमाल कर दिया, जबकि जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने 269 रन की पार्टनरशिप खेली, तो वहीं जो रूट ने 142 रन की नाबाद पारी खेल डाली, जबकि जॉनी बेयरस्टो ने पहली पारी में 106 रन की तूफानी पारी खेली, तो वहीं दूसरी पारी में 114 रन की तूफानी पारी खेली और इस मुकाबले को इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट के बड़े अंतर से जीत लिया। लेकिन दोस्तों भले ही इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया हो, मगर ये मुकाबला दोबारा खेला जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारतीय क्रिकेट फैंस का कहना है कि इस मैच में बेईमानी हुई थी और इंग्लैंड में भारतीय टीम के साथ धोखा हुआ था और एम्पायर ने भी पांचवें टेस्ट मुकाबले में बेईमानी कराई थी।